हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने क्लॉजेज एंड कंजंक्शंस एंड इंट्रोडक्शन, क्लॉजेज और कंजंक्शंस का एक परिचय से शुरुआत करते हैं हम। बिफोर अंडरस्टैंडिंग what clauses and conjunctions are, we are supposed to understand what a subject and a predicate are. Clauses or conjunctions ko samajhne se pehle hame ek sentence mein subject kya hota hai, predicate kya hota hai, ye baat samajhna bahut aavashyak hai. Aap dekhiye right hand side mein sabse pehle subject likha hua hai ki subject kya hota hai, doer of the action of the verbs. वर्ब्स के द्वारा जो एक्शन डिनोट किया जाता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट वो चीज होती है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, सब्जेक्ट अबाउट विच समथिंग इज स्टेटेड, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है सेंटेंस में। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट a part of a sentence containing a verb that makes a statement about the subject of the verb. यानी कि sentence का वो हिस्सा जो subject के बारे में कुछ कहता है वो predicate होता है, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि predicate the remaining part of a sentence एक्सक्लूडिंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को छोड़कर जो बचा हुआ शेष हिस्सा होता है सेंटेंस का उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। अपनी नोटबुक निकाल लें और ये चीजें आप नोट जरूर कर लें। तो अपन कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है शी राइट्स अ लेटर। यहां पर जो शी ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, राइट्स अ लेटर रेड कलर में लिखा हुआ है, तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो शी, जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, शी के बारे में जो बात कही गई है वो है राइट्स अ लेटर, इसलिए राइट्स अ लेटर क्या हुआ? प्रेडिकेट, और शी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ। हम ये भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट को छोड़कर बचा हुआ हिस्सा, यानी कि शी को छोड़कर बचा हुआ हिस्सा राइट्स अ लेटर प्रेडिकेट है। सेकंड एग्जांपल में भी देखिए बिल्कुल वैसा ही है, यू सब्जेक्ट है, प्लेड क्रिकेट प्रेडिकेट है। थर्ड सेंटेंस में आप देखिए वी सब्जेक्ट है, आर टीचिंग इंग्लिश प्रेडिकेट है। फोर्थ सेंटेंस में देखिए ही सब्जेक्ट है और विल हैव बीन स्लीपिंग, ये इसका प्रेडिकेट है। अपनी नोटबुक और पेन जरूर साथ में रखें और सारे पॉइंट्स को नोट भी करना है। इसके बाद आगे चलते हैं हम कि क्लॉज को समझने के लिए, फ्रॉम क्लॉजेस एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू, वर्ब्स आर ऑफ टू काइंड्स। वर्ब्स दो प्रकार की होती है। अगर हम क्लॉज का विश्लेषण एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमें वर्ब पता होनी चाहिए वो दो कौन सी होती हैं। एक है फाइनाइट वर्ब और दूसरी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? वर्ब्स अग्री टू देयर सब्जेक्ट्स और कैन टेल द टेंस ऑफ द सेंटेंस। दो बातें होती हैं फाइनाइट वर्ब्स के साथ में, एक तो वो अपने सब्जेक्ट के साथ एग्री करती है, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके साथ जो वर्ब रहेगी वो सिंगुलर रहती है। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल होता है, उसके साथ वर्ब प्लूरल की होती है, इसको हम कहते हैं कि वर्ब और सब्जेक्ट का एग्रीमेंट। तो एक तो फाइनाइट वर्ब की विशेषता हो गई कि वो सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगी, सब्जेक्ट के हिसाब से वो बदल सकती है,
और दूसरी बात है कैन टेल द टेंस ऑफ द सेंटेंस, उस सेंटेंस के टेंस की जो जानकारी हमें मिलती है वो हमें फाइनाइट वर्ब्स की सहायता से ही मिलती है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स की सहायता से हमें टेंस सेंटेंस के टेंस की जानकारी नहीं मिलती। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है? वर्ब्स डू नॉट अग्री टू देयर सब्जेक्ट, यानी कि जस्ट ऑपोजिट फाइनाइट वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स के ऑपोजिट है, ये सब्जेक्ट से अग्री नहीं होती नॉन फाइनाइट वर्ब, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उससे अग्री नहीं होगी। एंड वी कांट आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ब्स, और इन वर्ब्स की सहायता से हम सेंटेंस के टेंस को भी नहीं पहचान सकते कि ये सेंटेंस किस टेंस को बिलोंग करता है। तो एक चीज हो गई फाइनाइट वर्ब्स और दूसरी चीज हो गई नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इसके बाद हम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिसमें एक क्लेरिफिकेशन होगा। एग्जाम्पल्स आप नोट जरूर कर लें कि नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब में क्या फर्क होता है। इसे एग्जाम्पल लिखा है, ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। अब यहां लाइक्स जो है वो फाइनाइट वर्ब है, क्यों? क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो ही है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए लाइक में एस ऐड किया है हमने वर्ब को सिंगुलर करने के लिए, यानी कि ये सब्जेक्ट से एग्री है। और टू प्ले ये भी वर्ब है सेंटेंस में, लेकिन ही का इस प्ले पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई अंतर नहीं आ रहा है इसमें, तो इसका मतलब हुआ कि प्ले यहां पर नॉन फाइनाइट वर्ब्स हुई। सेकेंड सेंटेंस आप देखिए, दे वॉन्ट टू सी यू। यहां भी देखिए कि वॉन्ट वर्ब जो है वो फाइनाइट है और सी नॉन फाइनाइट है, और अगर हम ये जानना चाहें कि सेंटेंस का टेंस क्या है तो हम सी को देखकर ये बता नहीं सकते, हम केवल वॉन्ट को देखकर ही बता सकते हैं कि इस सेंटेंस में का टेंस क्या है। दे वॉन्ट टू सी यू, हम कह सकते हैं कि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है, वो केवल इसी आधार पे कह सकते हैं क्योंकि वॉन्ट जो वर्ब है वो थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट दे के साथ एग्री है, तो टेंस की जानकारी भी हमें फाइनाइट वर्ब से मिलती है और वो वर्ब अपने सब्जेक्ट से एग्री भी करती है। ये जो उसकी जो दो विशेषताएं हैं फाइनाइट वर्ब की वो वॉन्ट पे लागू हो रही हैं। सी वर्ब को यहां देखकर हम ये नहीं बता सकते कि सेंटेंस किस टेंस का है। मोहन वॉन्टेड टू रिजाइन, ये सेंटेंस भी आप देखिए, नोट करिए, इसमें वॉन्टेड जो है फाइनाइट वर्ब है और रिजाइन नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्लॉज की डेफिनेशन जानने से पहले हमें सेंटेंस के टाइप जानना भी बहुत जरूरी है। जैसे ये तीन प्रकार के होते हैं, थ्री काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये तीन प्रकार के सेंटेंस होते हैं क्लॉज एनालिसिस की दृष्टि से। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है। जब तक सिंपल सेंटेंस नहीं समझेंगे तब तक हम क्लॉज को नहीं समझ पाएंगे। द सेंटेंस विच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, जिस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है एक प्रेडिकेट होता है एंड द प्रेडिकेट हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस। प्रेडिकेट में केवल और केवल एक फाइनाइट वर्ब होगी, नॉन फाइनाइट वर्ब कितनी भी हो तो भी वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस ही रहेगा। ये डेफिनेशन आप साथ में लिखते भी जाएं। एग्जाम्पल्स के तौर पे हम देखते हैं, शी राइट्स अ लेटर, इसमें सब्जेक्ट हुआ शी, राइट्स अ लेटर हुआ प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब है वो है राइट्स, तो इसलिए ये सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, यू प्लेड क्रिकेट,
तो इसमें सब्जेक्ट यू है, प्लेड क्रिकेट इसका प्रेडिकेट है, और प्रेडिकेट में केवल एक फाइनाइट वर्ब है, वो है रेड कलर में लिखी हुई है प्लेड। इसलिए ये भी सिंपल सेंटेंस है। थर्ड सेंटेंस को आप देखिए, वी आर टीचिंग इंग्लिश। अब जब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, दो वर्ब आ गए, कहने को तो दो वर्ब हैं, लेकिन जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों मिल करके फाइनाइट वर्ब का निर्माण करते हैं, क्योंकि अकेले हम आर से टेंस का निर्धारण नहीं कर सकते, अकेले टीचिंग से हम जो है टेंस का निर्धारण नहीं कर सकते, सब्जेक्ट से एग्री यहां पर आर हो रहा है, तो आर टीचिंग दोनों मिलकर के ये बता पा रहे हैं कि सेंटेंस का टेंस क्या है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें भी एक ही फाइनाइट वर्ब है जो आर टीचिंग से मिलकर बन रही है, और इस प्रकार से ये जो है सिंपल सेंटेंस हुआ। ही विल हैव बीन स्लीपिंग, ये सेंटेंस भी सिंपल सेंटेंस है क्योंकि ही सब्जेक्ट है, विल हैव बीन स्लीपिंग आपका प्रेडिकेट है, और प्रेडिकेट में सारी वर्ब्स मिलकर के एक फाइनाइट वर्ब को डिनोट कर रही हैं, विल हैव बीन स्लीपिंग। इतने पूरे से ही हमें पता चलेगा कि सेंटेंस का टेंस क्या है। तो ये सिंपल सेंटेंस हुआ। इसके बाद हम देखते हैं एक सेंटेंस और है, वी लाइक टू प्ले बास्केटबॉल। इसमें दो वर्ब हैं, लाइक है, प्ले है, आप देख रहे हैं रेड कलर में वो फाइनाइट वर्ब है, प्ले नॉन फाइनाइट वर्ब है, और टेंस की जानकारी हमें केवल लाइक से मिल रही है क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, और ये कह सकते हैं कि ये सिंपल सेंटेंस है। ही वॉन्टेड टू विजिट यू, ये भी सिंपल सेंटेंस है। आप इसे नोट करते जाएं सेंटेंस को। ही वेंट टू मार्केट टू बाय अ बुक। अब आप यहां देखिए, वेंट एक वर्ब है, एक बाय वर्ब है। वेंट से पता चल रहा है सेंटेंस सिंपल पास्ट का है, बाय से नहीं पता चल रहा है, तो बाय नॉन फाइनाइट वर्ब हुई और वेंट फाइनाइट वर्ब, और केवल एक ही फाइनाइट वर्ब है प्रेडिकेट में, तो इसलिए ये भी सिंपल सेंटेंस हुआ। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब है और वो है आर, इसलिए ये भी सिंपल सेंटेंस हुआ। अब हम आते हैं कंजंक्शंस पे। दोज वर्ड्स विच आर यूज टू जॉइन टू और मोर देन टू वर्ड्स ऑफ सेंटेंसेस और आर कॉल्ड कंजंक्शंस। वो शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों को या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें हम कंजंक्शंस कहते हैं। फिर से देख लें, दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड टू जॉइन टू और मोर देन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस आर कॉल्ड कंजंक्शंस। कंजंक्शंस, दीज आर टू टाइप्स। कंजंक्शंस दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं वो ये आपके सामने लिखे हुए हैं, एंड, बट, येट, स्टिल, सो, देयरफॉर, और, एल्स, अदरवाइज, आइदर डॉट डॉट और, नाइदर डॉट डॉट नॉर, not only dot dot but also, both dot dot and, not only dot dot as well, etc. ये coordinate conjunctions हैं जो आपके examination के दृष्टि से भी और competitive exam की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं, इन्हें आप note down कर लें, बोलते समय ही आप note down करते चलें ताकि समय से आप इन्हें लिख सकें। इसके बाद दूसरा जो कंजंक्शंस का टाइप होता है वो होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, और ये कंजंक्शंस बहुत सारे होते हैं, इन्हें डिटेल में हम बाद के एपिसोड्स में पढ़ेंगे। आप देखिए, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, एज,
while, till, until, as soon as, no sooner, dot dot than, hardly, dot dot when, since, because, as, so that, lest, if, unless, even if, so dot dot that, such dot dot that, though, although, as dot dot as, so dot dot as, that, और सभी all wh words जो भी question words जिन्हें हम कहते हैं वो भी conjunctions का काम करते हैं, wh words बोलते हैं। अब क्लॉज पर आ गए कि when two or more than two simple sentences, जब दो या दो से ज्यादा simple sentences को हम combine करते हैं using a conjunction, conjunction का प्रयोग करके, तो we create a new type of sentence, तो एक नया sentence बनता है। जिसका example आप देखिए, we worked pretty hard, we could not succeed, ये दो sentence हैं। We worked pretty hard, एक simple sentence, we could not succeed, दूसरा sentence, तो हम इन दोनों sentences को जोड़ रहे हैं, we join these simple sentences with the help of a conjunction, but का इस्तेमाल करके हम इनको जोड़ते हैं। तो sentence हमारे सामने आया, we worked pretty hard, but we could not succeed. अब हम देखते हैं कि जो red color में sentence लिखा हुआ है, और जो black color में sentence लिखा हुआ है, ये जो दोनों हिस्से हैं sentence के, what are these parts of this sentence called? अब इस पूरे सेंटेंस के अब ये दो हिस्से हैं ये क्या कहलाते हैं, यही वास्तव में क्लॉज कहलाते हैं। वी वर्कड प्रिटी हार्ड बट वी कुड नॉट सक्सीड, तो वी वर्क प्रिटी हार्ड एक क्लॉज है, बट वी कुड नॉट सक्सीड ये भी एक क्लॉज है। तो इस सेंटेंस में दो क्लॉज हो गए। तो इसलिए अब क्लॉज की जो डेफिनेशन बनती है वो ये है कि अ क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। एक क्लॉज शब्दों का समूह है जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, और उसका एंड मेक्स कंप्लीट सेंस, और वो अपना पूरा अर्थ प्रदान करता है। तो क्लॉज क्या होता है, डेफिनेशन से महत्वपूर्ण ये है कि क्लॉज होता क्या है, यानी कि जब एक सिंपल सेंटेंस यानी कि वी वर्क प्रिटी हार्ड को हमने बट से ऐड किया, बट वी कुड नॉट सक्सीड, तो एक नया सेंटेंस बना, और इस नए सेंटेंस के दोनों हिस्से क्लॉज होते हैं। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं क्लॉज के प्रकार, एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होता है जिसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, स्वतंत्र या मेन क्लॉज भी कहते हैं इसको। सेकंड है कोऑर्डिनेट क्लॉज, और कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो सदैव बिगिनिंग विद कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, वो सदैव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होता है। थर्ड होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज बिगिनिंग विद ए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, और ये शुरू होता है हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से। तो ये तीन प्रकार के क्लॉज हो गए, प्रिंसिपल क्लॉज जिसे मेन क्लॉज भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होता है। अब हम दो परिभाषाएं छोड़ के गए थे, डेफिनेशन सिंपल सेंटेंस की परिभाषा हो गई थी, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन हमने नहीं देखी थी। तो अब हम यहां पर कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन देखते हैं, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स की स्टाइल में मैंने लिखा हुआ है कि कंपाउंड सेंटेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज का कोऑर्डिनेट क्लॉज, और कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होगा, बिगिनिंग विद कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होगा वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। ही शुड कम ऑन टाइम, एग्जाम्पल आप देखिए ही शुड कम ऑन टाइम, और इसको एल्स से हमने दूसरे सेंटेंस से जोड़ा है, एल्स ही विल बी मार्क्ड एब्सेंट। तो हमने देखा कि ही शुड कम ऑन टाइम ये प्रिंसिपल क्लॉज है, एल्स ही विल बी मार्क्ड एब्सेंट जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, इसके पहले एल्स लगा हुआ है तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। तो प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज इज इक्वल टू
कंपाउंड सेंटेंस। ये बहुत ही सरल तरीका है इस बात को जानने का। अब हम देखते हैं हमारी थर्ड डेफिनेशन बची कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी मैंने उसी मैथमेटिकल फॉर्मूले के रूप में लिखी है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबॉर्डिनेट क्लॉज। और सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? वो क्लॉज जो बिगिनिंग विद अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होता है वो कहलाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। नोट डाउन अवश्य करते जाएं, बोलते हुए मैं बोल रहा हूं उसी के साथ में आप सुनते भी जाएं, कानों से सुनते जाएं और हाथ से लिखते जाएं, तो समय में अपना पाठ अपना लेसन आज का समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम एग्जाम्पल भी देखते हैं कि एज सून एज द टीचर एंटर्स द क्लास द स्टूडेंट्स स्टैंड अप। जैसे ही शिक्षक कक्षा में प्रवेश करता है छात्र खड़े हो जाते हैं। अब ये दो सिंपल सेंटेंस थे, द टीचर एंटर्स द क्लास, दूसरा था द स्टूडेंट्स स्टैंड अप। इन दोनों को एज सून एज से एड किया, तो जो एज सून एज द टीचर एंटर्स द क्लास जो रेड कलर में लिखा हुआ है आप देखिए वो सबॉर्डिनेट क्लॉज हुआ क्योंकि सबॉर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है। द स्टूडेंट्स स्टैंड अप ये प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज इसी को हम कहते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन हमने बताई थी आपको कि प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबॉर्डिनेट क्लॉज इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इस प्रकार से हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में समझ गए, नोट भी कर लिया होगा आपने। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं कि सेंटेंस के एग्जाम्पल हम आपको देते हैं और पता करते हैं कि ये जो है कौन सा सेंटेंस सिंपल है, कौन सा कंपाउंड है और कौन सा कॉम्प्लेक्स है। इस चीज की जानकारी के लिए ये एक्सरसाइज आपके सामने या नोट लिखा हुआ है कि पिक आउट सिंपल सेंटेंसेस कंपाउंड सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, यानी कि आपको क्या क्या छांटना है। पिक आउट मतलब चुनना, कुछ एग्जाम्पल्स नीचे दिए जाएंगे उसमें से आपको छांटना है कौन सा सेंटेंस सिंपल है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है। बात सिर्फ इतनी ध्यान रखनी है कि सिंपल सेंटेंस मतलब जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होगी, कंपाउंड सेंटेंस मतलब प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज में क्या होगा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा, हम उससे बिल्कुल पहचान लेंगे कि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है और उसकी सहायता से हम बड़े आसानी से पहचान लेंगे कि कंपाउंड सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स में मैंने बताया था कि प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबॉर्डिनेट क्लॉज, और सबॉर्डिनेट क्लॉज जो स्टार्ट होता है वो सबॉर्डिनेट कंजंक्शन से होता है। तो आइए देखते हैं, हम फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने है, द सन वॉज सेटिंग इन द वेस्ट एंड द मून वॉज जस्ट राइजिंग। आप ये एक्सरसाइज लिखते जाएं सेंटेंस को और अपनी कॉपी पे उसका आंसर भी लिखते जाएं, नोटबुक में लिखते जाएं कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है, सिंपल है कि कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स है। फर्स्ट एग्जांपल हो गया, सेकंड है यू मस्ट नॉट बी लेट और यू विल बी पनिश्ड, ये सेकंड सेंटेंस है। इसको नोट डाउन करें और आप नोट डाउन करने के बाद इसका आंसर भी लिख लें कि यू है इसमें ये सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। आंसर्स इसके हम आपको अगली स्लाइड में बताएंगे, लेकिन आप नोट करें और उसका आंसर लिखने का प्रयास करें। इसके बाद थर्ड सेंटेंस है शी इज नॉट अ फूल, शी इज नॉट अ फूल। तो ये किस प्रकार का सेंटेंस है ये हमें नोट डाउन कर लीजिए, साथ में आंसर भी लिख लीजिए। इसके बाद फोर्थ सेंटेंस है हिज साइलेंस प्रूव्स हिज गिल्ट। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं आप लिख लीजिए,
His silence proves his guilt. और कोशिश करिए बताने की, अपनी नोटबुक में लिखने की कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है. फिफ्थ सेंटेंस आपके सामने है, ही इज सो पुअर दैट ही कांट बाय हिज बुक्स. ये सेंटेंस फिर से सुन लीजिए और नोट कर लीजिए, ही इज सो पुअर दैट ही कांट बाय हिज बुक्स. नेक्स्ट है, ही कांट कम टू स्कूल बिकॉज ही इज नॉट फीलिंग वेल. ही कांट कम टू स्कूल बिकॉज ही इज नॉट फीलिंग वेल. ये नोट कर लो और ये आंसर भी साथ में लिखते जाएं कि ये सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है. आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, सिंपल सेंटेंस के लिए SS बना दो, कंपाउंड सेंटेंस के लिए CS बना दो, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए आप जो है COMP और S बना दो. तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. इसमें सेवेंथ है, राजेश गॉट अप एंड वॉक्ड अवे. आपको देखना है कि इसमें कितनी फाइनाइट वर्ब है, सेंटेंस में कोई कंजंक्शन है कि नहीं है, ये सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, ये आपको नोट करना है. और लास्ट सेंटेंस है, द क्वीन फॉट ब्रेवली बट शी कुड नॉट सेव द फोर्ट. फिर से लिख लीजिए, द क्वीन फॉट ब्रेवली बट शी कुड नॉट सेव द फोर्ट. तो ये 8 सेंटेंसेज आपने लिखे, लिखने के बाद आपको अपने आंसर्स मैच करने हैं. मैं अगली स्लाइड में उनके आंसर्स शेयर करूंगा. अगर कोई सेंटेंस रह गया हो तो उसे नोट कर लें, और नोट करने के बाद आप उसको ये भी देख लें कौन सा सिंपल है, कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. और अब हम आपको इनके आंसर्स शो करने वाले हैं. अपने आंसर्स अपनी नोटबुक में रख लीजिए, और जैसे ही मैं आंसर आपको आपके सामने लेके आऊंगा तो आप जो है उन्हें फटाफट नोट कर लेना, ताकि अपने आंसर से उनको मैच कर सकेंगे. मैच योर आंसर्स नाउ, इट्स टाइम. देखते हैं किसके कितने आंसर्स सही हैं. फर्स्ट सेंटेंस आया, क्या है ये? कंपाउंड सेंटेंस है. क्यों है? क्योंकि उसमें एंड जुड़ा हुआ है, जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है. आप फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, अपना फर्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, उसमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है. सेकंड में भी देख लीजिए, उसमें भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है. थर्ड में देख लीजिए, वो सिंपल सेंटेंस है, उसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब है. फोर्थ वाला भी सिंपल है, एक ही फाइनाइट वर्ब है, कोई कंजंक्शंस भी नहीं है उसमें. फिफ्थ वाला कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसमें सबॉर्डिनेट क्लॉज, जो सबॉर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है, वो है. और सिक्स है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि उसमें भी जो है सबॉर्डिनेट कंजंक्शंस लगे हुए हैं, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. और आपका सातवां सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस है. आठवां भी कंपाउंड है, क्योंकि इनमें जो कंजंक्शन लगा हुआ है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा हुआ है. तो इस प्रकार से आपने अपने आंसर्स को मैच कर लिया, नोट कर लिया. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आज का लेसन आपको कैसा लगा? अगले एपिसोड से पहले जरूर बताएं, और हम चाहेंगे कि आप अगले एपिसोड का बहुत अच्छे से इंतजार करें. तब तक इतना मैटर आप तैयार कर लें, और तैयार करने के बाद हम आपके सामने जल्दी ही सेकंड एपिसोड लेकर के आएंगे.